नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल्स पे वी एस एजुकेशन हब में। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, अगर आप प्रिपरेशंस कर रहे हैं आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क मेंस या आईबीपीएस क्लर्क मेंस जो 2020 के एग्जाम्स होने हैं मेंस के, उसके लिए अगर आप जीके तैयार कर रहे हैं, तो यह वीडियो माय डियर स्टूडेंट्स आपके जीके को, आपकी जो जीके की प्रिपरेशंस को है, उसको थोड़ा सा बूस्टअप दे सकता है। बहुत ज़्यादा हेल्पफुल वीडियो है। इसमें पर्टिकुलर मैं आपके साथ शेयर करूँगा जीके के कुछ इंपॉर्टेंट पीडीएफ जो आपके काम आ सकते हैं। करंट अफेयर भी होंगे इसमें आपकी, एंड देन लास्ट 6 मंथ के भी क्वेश्चंस इसमें अवेलेबल रहेंगे। ओके, तो प्लीज़ आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है, वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। कोई भी किसी भी तरह का क्वेश्चन हो तो जरूर पूछिएगा कमेंट बॉक्स में। ओके, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। एंड बिफोर दैट, अगर आपको लगे चैनल्स पे आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल्स को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, ताकि कोई भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड हो आपको तुरंत के तुरंत नोटिफिकेशंस मिल जाएगा। ओके, अच्छा लगे लाइक करिएगा, इम्पॉर्टेंट लगे तो औरों के साथ भी शेयर करिएगा। कोई भी डाउट, कोई भी किसी भी तरह का कन्फ्यूजन तो कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करिएगा। ओके, शेयर जरूर कर दीजिएगा, अच्छा लगे, मेहनत मेरी आपको अच्छी लगे, बहुत अच्छे से मैंने तैयार किया है, तो प्लीज लाइक बटन में भी प्रेस जरूर कर दीजिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं अपन आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क मेंस की, जो एग्जाम्स होना है। आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क मेंस, क्लर्क मेंस देखिए, जनरल्स अवेयरनेस के आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे 40 क्वेश्चंस। ओके, और आईबीपीएस पीएसबी बैंक में जो क्लर्क मेंस है ओनली, उनके लिए क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे ओनली फॉर 50 क्वेश्चंस। दोनों एग्जाम्स में मैंने आपको बता दिया, बट यहाँ पर 40 क्वेश्चंस में से लगभग 80 क्वेश्चंस, 80% नॉट 80 क्वेश्चंस, 80% यहाँ पर आपको करंट अफेयर रिलेटेड क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। स्टैटिक जीके भी मिलेगा आपको कुछ, बाकी के जो 20% है उसमें आपको स्टैटिक मिलेगा, बैंकिंग अवेयरनेस के क्वेश्चंस मिलेंगे। आरआरबी एग्जाम्स की बात कर रहा हूँ। ओके, एंड देन आईबीपीएस क्लर्क मेंस की बात करें, 50 क्वेश्चंस में से आपको करंट अफेयर क्वेश्चंस माय डियर एस्पिरेंट्स ओनली फॉर 60 से 70% क्वेश्चंस मिलते हैं करंट अफेयर के। बाकी बैंकिंग अवेयरनेस इसमें बहुत ज़्यादा देता है, क्योंकि पीएसबी बैंक्स में बैंकिंग अवेयरनेस क्वेश्चंस मिलेंगे, बाकी के 30% और स्टैटिक के क्वेश्चंस मिलेंगे। ओके, इस बात का आप ध्यान में रखिएगा। तो अपन यहाँ पर पर्टिकुलर करंट अफेयर रिलेटेड बात करेंगे, बट स्टैटिक जीके और बैंकिंग अवेयरनेस के भी क्वेश्चंस मैंने इन सारे पीडीएफ में डाले हैं, वह भी आपके हेल्प कर जाएंगे, क्योंकि स्टैटिक और बैंकिंग अवेयरनेस वहीं से उठाता है जो रिसेंट में न्यूज में रहता है। एग्जाम्पल्स के लिए मैं आपको बता दूँ, एक पर्टिकुलर किसी पार्क के बारे में, मध्य प्रदेश का एक पार्क है, दैट इज द नेशनल्स पार्क है, पन्ना नेशनल्स पार्क, रिसेंट में न्यूज में रहा था, तो उसके बारे में क्वेश्चन डाल सकता है। ओके, तो मेन फोकस आपको करंट अफेयर बिल्कुल अच्छे से पढ़ना चाहिए। देखिए, अब कुछ स्टूडेंट्स कमेंट करेंगे, सर कितने मंथ का करंट अफेयर हमको पढ़ना चाहिए? तो अकॉर्डिंग टू मी 3 मंथ का, लास्ट 3 मंथ का तो आप करंट अफेयर बिल्कुल अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। 2 से 3 बार, 3 से 4 बार, जितना आपके पास टाइम है उतने बार आप रिवाइज करिए उस हिसाब से। 3 बार तो मैक्सिमम आप पढ़िए ही पढ़िए, बाकी आपके पास टाइम एक्स्ट्रा तो फिर पढ़ लीजिए। मैक्सिमम 3 टाइम्स है। ओके, ज़्यादा से ज़्यादा आप और भी ज़्यादा कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। ओके, 3 मंथ का लास्ट का मंथ पढ़ना बहुत आवश्यक है, बहुत अच्छे से पढ़ना बहुत आवश्यक है। चाहे एक एक चीज़ को डिटेल्स में पढ़ना, हेडलाइन कोई भी हेडलाइंस नहीं, बिल्कुल डिटेल्स में पढ़ना। और 3 मंथ का तो ये होगा, अब 6 मंथ का भी क्वेश्चंस पूछा जाता है। रिसेंट में आईबीपीएस आरआरबी का एग्जाम्स हुआ था पीओ मेंस का, उसमें जून मंथ का एक बुक बेस पर क्वेश्चंस पूछा गया था, यानी कि जून मंथ अभी से अगर बात करें तो करीबन करीबन 7 से 8 महीने पहले का क्वेश्चंस वहां से देखने को मिलेगा। तो माय डियर स्टूडेंट्स, लास्ट 6 मंथ का करंट अफेयर बिल्कुल टॉपिक वाइज पर कवर करिए,
बहुत ज़्यादा आपके एग्जाम्स में हेल्प होगी। ओके, इसके रिगार्डिंग्स मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ यह भी मैं आपको बताऊंगा। प्लीज़ वीडियो में बने रहिएगा। यहाँ से कोई आपका क्वेश्चन हो, किसी भी तरह का कोई पूछना हो आपको, तो जरूर पूछिएगा कमेंट बॉक्स में। देखिए, एक संक्षिप्त में पूरा का डिटेल्स में आपको बता देता हूँ। कुछ स्टूडेंट जुड़ रहे हैं जो पहली बात IBPS RRB क्लर्क मेंस का जो एग्जाम्स में उसमें GA की 40 क्वेश्चंस यहाँ पर देखने को मिलते हैं, जिसमें 80% क्वेश्चंस आपके करंट अफेयर रिलेटेड क्वेश्चंस मिलते हैं, करंट अफेयर बिल्कुल, और 20% है जो आपका बैंकिंग से रिलेटेड, स्ट्रैटेजी के से रिलेटेड ये क्वेश्चंस मिलते हैं। और IBPS क्लर्क मेंस है जो BSP बैंक है उसमें 50 क्वेश्चंस मिलते हैं जनरल्स अवेयरनेस और फाइनेंशियल्स के, राइट। उसमें 60 से 70% करंट अफेयर, बाकी 30 से 40% आपका दैट इज द स्टैटिक और बैंकिंग का मिलता है, राइट। PSB में बैंकिंग के सेक्टर से क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, कोई स्कीम हो गई किसी बैंक के बारे में आपसे पूछ लिए, राइट। अब कुछ स्टूडेंट्स कमेंट करते हैं कितने मंथ का पढ़े, तो देखिए 3 मंथ का तो आपको डेफिनेटली अच्छे से प्रिपेयर होना चाहिए, कोई भी एक भी चीज़ नहीं छोड़नी चाहिए, राइट। और 6 मंथ का पढ़े तो आपके लिए भी बेनिफिट होगा, मार्क्स आपका GK बहुत अच्छे से गेन करवा सकता है। ओके, अब बात करते हैं जो जो मैंने PDF तैयार किए हैं जो आपकी GK के प्रिपरेशन को बूस्टअप कर सकते हैं, वह PDF एक बार जरूर देख लीजिएगा। कैसे मिलेंगे यह भी मैं आपको बताऊंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल से माड़ी रेस्परेंट, ये एक PDF है टॉप लेवल के 100 क्वेश्चन है इसमें। इसमें जनवरी मंथ के इम्पॉर्टेंट सारे के सारे हैं। ये आपका हो गया करंट अफेयर रिलेटेड, राइट। जनवरी मंथ का तो आपको पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा। ओके, जनवरी मंथ के टॉप लेवल के 100 क्वेश्चंस में से मैंने यह PDF बनाया है, बिल्कुल टॉप है, देखिएगा। स्टैटिक भी इसमें मिलेगा, बैंकिंग में मिलेगा, सब कुछ डेज बेस पर सब क्वेश्चंस इसमें अवेलेबल है। बहुत अच्छा PDF है। कैसे मिलेगा आपको ये मैं आपको वीडियो के अंत में बता दूंगा, करीबन करीबन सारे PDF मैं आपको दे दूंगा। ओके, ये जनवरी मंथ का है। इसी टाइप से मैंने जनवरी मंथ, दिसंबर मंथ, नवंबर मंथ, अक्टूबर मंथ, सितंबर मंथ, जितने मंथ का आपको चाहिए कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा, मैं आपको सारे के सारे टॉप लेवल के PDF प्रोवाइड करवा दूंगा। ओके, चाहिए तो बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। ओके, कोई चार्ज नहीं है। देखिए मोस्ट प्रोबली क्या करते हैं स्टूडेंट, चार्ज की वजह से कमेंट नहीं करते, कोई चार्ज नहीं है। मैंने मेहनत करके बनाया है, अब आपको मेहनत करना है आप कैसे पढ़ते हैं। ओके, पहले मैं आपको जनवरी मंथ के बता देता हूँ। जनवरी मंथ के इम्पॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स हैं, राइट। बहुत बार एग्जाम्स में पूछे गए हैं जो मैंने अपॉइंटमेंट के करवाए हैं। ये मैं मंथली बेसिस पे पर्टिकुलर टॉपिक वाइज वीडियो कवर करता रहता हूँ, राइट। आपको दिसंबर के भी मिलेंगे, जुलाई के भी मिलेंगे, अगस्त के भी, सितंबर के भी, अक्टूबर की, सभी मंथ की अवेलेबल मिलेंगे, बट उनका मैंने एक सेपरेट PDF बनाया। ये जनवरी मंथ का एक सेपरेट है, आप इस वीडियो को देख सकते हैं। PDF चाहिए तो PDF के लिए आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं, PDF में आपको दिखा दूंगा, बट वीडियो ज़्यादा बेटर रहता है क्योंकि रिसेंट का है तो बहुत सारे ऑप्शंस वाइज भी क्लियर होते हैं। ओके, ये जनवरी मंथ के इम्पॉर्टेंट अपॉइंटमेंट। ओके, बैंकिंग एग्जाम्स में यहाँ से क्वेश्चंस डेफिनेटली पूछे जाते हैं। ओके, ये इम्पॉर्टेंट ऑबिचुरीज है जनवरी मंथ की। ये बहुत अच्छा वीडियो था, बहुत अच्छा कंटेंट था। कंटेंट पे जाइएगा, कंटेंट पे फोकस कीजिएगा। बहुत अच्छे से, बहुत मेहनत से मैंने इनको तैयार किया है, राइट। सेम थंबनेल का PDF है, सेम थंबनेल का वीडियो है, जाके एक बार जरूर देख लीजिएगा ऑबिचुरी का। उसी प्रकार इम्पॉर्टेंट डेज है जनवरी मंथ के, कंप्लीट इम्पॉर्टेंट डेज है जनवरी मंथ, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसमें पर्टिकुलर इंटरनेशनल्स, नेशनल डेज प्लस उस डेज की कौन सी थीम है यह भी मैंने डिटेल्स में वहां पर आपको बताया है, तो प्लीज एक बार आप भी इस वीडियो को जरूर देखिएगा। ओके, क्लियर। तो ये तो रहा आपको जनवरी मंथ कवर करना है, तो इन वीडियोज को एक बार जरूर देख लीजिएगा, और भी कोई भी होगा तो मैं आपके साथ जरूर शेयर कर दूंगा, राइट। अब बात करते हैं लास्ट मंथ के, यानी कि जनवरी से पहले मंथ के, यानी कि दिसंबर से जो पहले पहले लास्ट 6 मंथ का, जैसा कि मैंने कहा था, राइट। देखिए उनके लिए मैंने टॉपिक बेस पर अभी कुछ ही दिनों पहले, यानी कि करीबन करीबन 3-4 दिन पहले बैठ के अच्छे से मैंने PDF तैयार किए,
ताकि जो मेरे स्टूडेंट हैं उनको अच्छे से काम आ सके, राइट, जिनका एग्जाम्स होना है, राइट। तो उनके लिए मैंने एक पीडीएफ तैयार किए हैं, जैसे ये अपॉइंटमेंट और रेजिग्नेशन का वीडियो पीडीएफ है, 2020 का अप्रैल टू दिसंबर, राइट, अप्रैल से लगाकर दिसंबर तक, इनसे बाहर एक भी अपॉइंटमेंट का क्वेश्चन नहीं बनेगा। अब इन पीडीएफ जी इन जो पीडीएफ मैं आपको बता रहा हूँ, इनको अच्छे से दिन में करीबन करीबन 3 से 4 बार रिविजन्स, रटना बिल्कुल नहीं है, रटोगे तो आप भूलोगे, रटना नहीं है, रटोगे तो खिचड़ी बनेगी, कुछ नहीं करना, ओनली फॉर रिविजन्स करना है, राइट, ओनली फॉर रिविजन्स, ओके। बैंकिंग एग्जाम्स हैं तो 100% अपॉइंटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि बैंक में भी अपॉइंटमेंट होते रहते हैं, ओके। तो ये पीडीएफ आप देखिएगा, वीडियो अगर देखना है तो सेम थंबनेल का वीडियो है, मैंने वहाँ पर लास्ट जो क्वेश्चन पूछे गए थे वह भी मैंने शेयर किए, वह भी आपको मिल जाएगा। पीडीएफ आपको कैसे मिलेगा, मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स इसी क्वेश्चन पर, तो वह मैं आपको बताऊँगा, पहले सारे कंप्लीट पीडीएफ देख लीजिए ताकि आपको पता चल जाए। ये इम्पॉर्टेंट अभिचरीज है, राइट, चर्चित व्यक्तियों में किन किन व्यक्तियों का निधन हुआ है, उन सभी का जून से लगाकर दिसंबर मंथ का, राइट, और जनवरी का चाहिए तो जनवरी का सेपरेट है, जून से लगाकर दिसंबर मंथ का एक कंप्लीट पीडीएफ मैंने बनाया है, जिसमें कंप्लीट अभिचरीज, सभी चर्चित व्यक्तियों का निधन हुआ है, उन सभी का मैंने एक साथ समावेश वहाँ पर किया है। बहुत अच्छा पीडीएफ तैयार किया है, देखिएगा इसको भी, यह भी आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, राइट। इसी प्रकार एक बुक बेस पर वीडियो बनाया है मार्च से दिसंबर मंथ के, देखिएगा कितने मंथ है, आप खुद कवर सकते हैं, जनवरी फरवरी अगर निकाल दें, टोटल्स 10 महीने की कंप्लीट एक पीडीएफ में सारी की सारी बुक्स, पर्टिकुलर ऑथर और बुक का क्या नेम है, सब कुछ मैंने यहाँ पर बता दिया है पीडीएफ के माध्यम से, राइट। कैसे डाउनलोड होगा पीडीएफ, कैसे मिलेगा, ये मैं आपको अभी बताता हूँ, ये इम्पॉर्टेंट सारे के सारे डेज हैं, राइट, मार्च से लगाकर दिसंबर मंथ का, जनवरी मंथ का मैंने आपको बता दिया, ये मार्च से लगाकर दिसंबर मंथ का है 2020 के लिए, नेशनल्स और इंटरनेशनल्स, ओके। ये आपका कंप्लीट पीडीएफ है, ये सभी पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो ये क्वेश्चंस आपका अभी सही क्वेश्चन से मैं बता देता हूँ। पीडीएफ आपको कैसे मिलेगा, दो टाइप्स हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल से नीचे टेलीग्राम चैनल्स का लिंक दे रखा है मैंने डिस्क्रिप्टिव बॉक्स में, वहां से जाके क्लिक करके आप टेलीग्राम चैनल्स को ज्वाइन कर लीजिए, राइट, मेरा न्यू चैनल से बिल्कुल VS एजुकेशन हब नाम से, वहां पे जाके आप ज्वाइन कर लीजिए, वहां से आपको पीडीएफ मिल जाएगा। वो किसी टेक्निकल्स प्रॉब्लम्स के कारण अगर टेलीग्राम चैनल्स ओपन नहीं होता तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मेल आईडी है आपकी जो मेंशन कर दीजिएगा, मैं आपको बिल्कुल इंडिविजुअली आपको सेंड कर दूंगा, राइट, मेल सेंड कर दूंगा सारे के सारे कंप्लीट पीडीएफ, ओके, क्लियर। अब भी आपका कोई क्वेश्चन हो, कोई चीज़ आपको पूछनी हो, नहीं समझ में आई हो, तो कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करिएगा, ओके। और भी आप कुछ चाहते हो कि सर ये हमको दे देते तो हमारी थोड़ी हेल्प हो जाती, राइट, हमको प्रिपरेशन के लिए थोड़ा समय कम लगता, राइट, तो वह भी बता दीजिएगा, मैं जरूर आपके लिए कोशिश करूँगा, ओके। तो ये तो था कंप्लीट वीडियो, आई होप आपको अच्छा लगा होगा, हेल्पफुल लगा होगा, तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने ऑल ओवर फ्रेंड्स में, मेहनत मेरी अच्छी लगी तो प्लीज़ अप्रिशिएट जरूर करिएगा, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, कुछ नहीं चाहिए, फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ है, ओनली और सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए ताकि मोटिवेशंस बना रही, ओके। तो थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स, थैंक यू सो मच।